उत्तराखंड में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। सड़कों पर मलबा होने के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर मलबा होने के कारण दोनों तरफ भारी जाम लग गया है। वहीं प्रशासन मलबे को हटाने का काम कर रहा है, लेकिन मौसम खराब होने के कारण भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। मानसून का आगाज। मौसम विभाग ने किया येलो अलर्ट जारी। सड़कों पर मलबा होने से कई मार्ग बंद। लोगों को हो रही है भारी परेशानी। उत्तराखंड में मानसून का आगाज हो ही गया है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं देहरादून में भी तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली में गरज के साथ बौछार पड़ सकती है। पिथौरागढ़, नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। चमोली में कई दिनों से हो रही बारिश के कारण सड़कों पर मलबा आ गया है, जिससे कई मार्ग बंद हो गए हैं और लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सड़कों से मलबा हटाने के लिए मशीनें भेजी गई हैं और बहुत जल्द बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए सुचारू किया जाएगा। मानसून सीजन शुरू होने के साथ ही पहाड़ों में आए दिन सड़कों पर मलबा आने से इस तरह की समस्या से लोगों को रूबरू होना पड़ता है। अपने रोजमर्रा के कामों के लिए आने जाने वाले लोगों को कई चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। काडड़ाई खुनाड़ा मोटर मार्ग पर सड़क का बड़ा हिस्सा बह गया है। फिलहाल लोगों के पैदल चलने के लिए सड़क बनाई जाएगी। वाहनों की आवाजाही के लिए सड़क ठीक करने में अभी समय लगेगा। हमारे गांव की सड़क पिछले दो हफ्तों से मलबा आने के कारण बंद पड़ी है। विभाग के अधिकारियों से कई बार कहने पर भी अभी तक सड़क नहीं खोली गई। गाँव के लोगों को और बीमार लोगों को बाजार और अस्पताल जाने में काफी दिक्कत हो रही है। पिथौरागढ़ जिले से टनकपुर और हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग और जिला मुख्यालय से घाट तक तकरीबन 5 से 7 जगह मलबा आने से सड़क बंद है। एनएच द्वारा सड़क को खोलने का काम लगातार जारी है। खराब मौसम के चलते मलबा लगातार गिरता ही जा रहा है, जिससे अन्य कर्मियों को भी सड़क खोलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि पिथौरागढ़ टनकपुर रोड हल्द्वानी पिछले 24 घंटे से ज्यादा होने के बाद भी सड़क न खुलने से दोनों ओर हजारों की तादाद में लोग फंसे हुए हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश से कई इलाकों का गांवों से संपर्क टूट गया है। 3 दिन से बद्रीनाथ हाईवे बाधित पड़ा है। सड़कों से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से प्रशासन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। आपको बता दें कि उत्तराखंड में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, वहां पर लगातार बारिश हो रही है। वहीं अब बारिश होने के कारण मार्ग भी लगातार अवरुद्ध हो रहे हैं, जिस दौरान लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर लंबी लंबी गाड़ियों की कतार देखने को मिल रही है। मार्ग अवरुद्ध होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता चमोली में लगातार हो रही बारिश के चलते बद्रीनाथ हाईवे कोडिया बंद हो गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाईवे के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई है। साथ ही जेसीबी मशीनों और मजदूरों की मदद से सड़क को खोले जाने की कोशिश लगातार जारी है। दूसरी ओर चीन बॉर्डर को जाने वाले जोशीमठ मलारी हाईवे के रेणी में भी सड़क बंद होने से नीति घाटी के लोगों और सेना के जवानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, उत्तराखंड में मानसून का आगाज हो चुका है और इस दौरान कई मार्ग भी अवरुद्ध होने की खबर सामने आ रही है। येलो अलर्ट भी उत्तराखंड में जारी किया गया है, इसको लेकर और क्या कुछ सावधानी बरतने को मौसम विभाग ने कहा है और क्या कुछ अपडेट है मौसम को लेकर?
देखिए प्रवीणता, उत्तराखंड में मानसून का दस्तक हो चुका है और ऐसे में जिस तरीके से लगातार जो बारिश है उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिला, खासतौर पे 3 दिनों का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। आज येलो अलर्ट है जिसके तहत देहरादून समेत गढ़वाल के कई जिलों में जो बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। खासतौर पर देहरादून के लिए ये बात कही गई है कि बारिश के साथ साथ तेज हवाएँ चल सकती हैं, 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हवाएं चलेंगी। उम्मीद संभावना ये जताई गई है कि शाम को मौसम में एकाएक जो बदलाव है वो देखने को मिल सकता है, तेज हवाएं हवाओं के साथ बारिश जो है वो होता नजर आएगा। उसके दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कल कुमाऊं में और आज और कल 2 दिनों तक भारी जो बारिश की संभावना कुमाऊं के क्षेत्रों में दी गई है। पिथौरागढ़, बागेश्वर और नैनीताल जिले में ये संभावना व्यक्त की गई है कि आज और कल में भारी बारिश हो सकती है, खासतौर पर पिथौरागढ़ और नैनीताल के ऊंचाई वाले इलाकों में ये बात कही जा रही है मौसम विभाग की तरफ से कि कुछ क्षेत्रों में भारी से भी भारी बारिश जो है वो कल हो सकती है। ऐसे में जिस तरीके से विभाग की तरफ से पहले एडवाइजरी जारी कर दी गई है, उसके अलावा कहा विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि अगले 3 दिनों तक पूरे प्रदेश भर में विभिन्न क्षेत्रों में कहीं हल्की बारिश तो कहीं मध्यम बारिश और कहीं भारी से भारी बारिश जो है वो हो सकती है। खासतौर पर कुमाऊं क्षेत्र में अगले 48 घंटे जो बारिश का सिलसिला है वो रुक रुक के होता हुआ नजर आएगा और खासतौर पर जिस तरीके से मानसून का जो दस्तक है उससे उसका जो पहले चरण में देखने को मिला है कि कुमाऊं के क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो हो रहा है, वहां ज्यादा बारिश हो रही है। और ऐसे में जिस तरीके से मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की है उसके बाद से ही प्रशासन मुस्तैद हो चुका है। प्रशासन की तरफ से उन जिलाधिकारियों को जिन जिलों में सबसे ज़्यादा बारिश होने हो रही है और जिनमें होने की संभावना है उन जिलाधिकारियों को पहले एडवाइजरी दे दी गई है, खासतौर पर पहाड़ी इलाकों के लिए जो दूर दराज के इलाके हैं, क्योंकि अक्सर यही देखने को मिल रहा है पिछले 1-2 दिन में जो बारिश हुई है उसकी वजह से चमोली, रुद्रप्रयाग। जी ज्ञानेंद्र, बिल्कुल मानसून ने उत्तराखंड में दस्तक दे दी है, वहीं मौसम विभाग ने सावधानी के लिए भी कई सावधानी बरतने को कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।